से सादर प्रणाम। देखिए आप तमाम लोग जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे सड़क पर और न्यायालय में। अभी अभी जो हम लोग रातों रात चल करके माननीय हाईकोर्ट पटना पहुंचे थे, हम लोगों के साथ हम लोगों के तमाम अधिवक्ता ओंकार सर है और कहाँ गए शशिभूषण सर है, सब हम लोग आज माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में उपस्थित थे। और जो ऑर्डर आपका रिजर्व था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए, उसका ऑर्डर अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पारित कर दिया गया है और आपकी जीत हुई है। पहले अभी जो हम लोग सुने हैं उसमें जो बातें उनके द्वारा थोड़ा सा ऑर्डर का कुछ भाग पढ़ के बताया गया है उसमें आपकी जीत हुई है। नियम चार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। नियम चार आप लोग जो मेहनत किए थे न्यायालय में उसका फल आपको मिला है। नियम चार पूरी तरीके से समाप्त है और नियम 12 को समाप्त कर दिया गया है, मतलब सक्षमता परीक्षा का औचित्य समाप्त और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अब आपको सारा लाभ जो है चार नियम को समाप्त करके मिलेगा। मतलब नियम चार नियम 12 समाप्त और 20 में जो प्रमोशन नियमावली जो नियोजित शिक्षकों की थी 2020 की, उसमें जो प्रमोशन का था लाभ वह सब आपको मिलेगा। ये अभी अभी जो थोड़ा सा उन्होंने जजमेंट पढ़ के सुनाया है उसमें हम लोग यहाँ तक समझे हैं, आगे शाम तक जजमेंट आएगा पूरा। अभी हमारे साथ देखिए शिक्षक एकता मंच के कहाँ गए पप्पू सर, शिक्षक एकता मंच के संयोजक है प्रदीप कुमार पप्पू जी, वो भी है, वो आपसे कोर्ट रूम में हम लोग साथ में थे। बोलिए सर, तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन अभिवादन। साथियों, जो लंबे अवधि से सरकार ने जो शिक्षकों को तंग और तबाह कर रही थी उसके विरुद्ध जो हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा, आज माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो फैसला सुनाई गई है, जो सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता थी उनको समाप्त कर दी गई, साथ ही जो प्रमोशन को समाप्त किया गया था, इस अपीय प्राधिकार के अधिकार को समाप्त किया गया था उन्हें वापस किया गया। अब विस्तृत जब आदेश आएगी तो उसको पढ़ने के बाद देखने के बाद बाकी बात बताई जाएगी, लेकिन यह इसके लिए हम तमाम बिहार के शिक्षक जो इस लड़ाई में शिक्षकों ने बिहार शिक्षक एकता मंच को मजबूत किया, अब हम आमंत्रित करते हैं कि जो शिक्षकों की न्यायिक लड़ाई में पटना हाईकोर्ट में बारीकी से अपना भूमिका निभाए हैं अधिवक्ता तेज तराक शशिभूषण जी, हम उनसे कहेंगे कि आप भी विस्तृत बात बताएं। आज सक्षमता के ऊपर जो डिसीजन आया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रोविजो था जिसके अंतर्गत कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना था उसको कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है और हमारा जो प्रमोशन रूल है 2020 वो हम पे लागू रहेगा और हमें प्रमोशन दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही सक्षमता परीक्षा में शामिल होने और नहीं होने के लिए, तो जो स्वतंत्र जो 2020 रूल के अंतर्गत वर्क करना चाहे लोकल बॉडी टीचर के रूप में वर्क करना चाहते हैं वो लोकल बॉडी टीचर के रूप में कार्य करते रहेंगे। चलिए अभी देखिए हमारे जो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के याचिकाकर्ता का अधिवक्ता थे शशि बाबू, अब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो सक्षमता परीक्षा पे जजमेंट रिजर्व किया था एक्सक्लूसिव टीचर्स पे, उसका आज उसने जजमेंट दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने रूल 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था नियोजित टीचरों को, और रूल 12 को स्ट्रक डाउन कर दिया है जिसमें अपीलीय प्राधिकार के गठन को स्क्रैप कर दिया गया था, और प्रमोशन एवेन्यू हैज बीन गिवन टू ऑल द नियोजित टीचर्स एंड द ऑनरेबल कोर्ट हैज पार्टली अलाउड आवर रिट पिटीशन एंड गिवन सर्टेन डायरेक्शंस इन दिस रिगार्ड। चलिए अब बहुत सारा बात जो है हम लोग बात करेंगे अभी तो फिलहाल आप जान गए कि नियम चार को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है, नियम 12 को समाप्त किया गया है, पूरे बिहार जितने भी लोग हैं सारे शिक्षक को सीधे अभी हम लोग हाईकोर्ट से जानकारी देने शेयर करके उनको जानकारी दीजिए और स्कूल दीजिए। बात कराइए ना यहाँ आज माननीय उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी उसमें अपना जजमेंट दिया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो रूल 4 था उसको पूरी तरह से स्ट्रक डाउन कर दिया है,
और अपीलीय प्राधिकार के गठन को खत्म कर दिया गया था रूल 12 के द्वारा, उसको भी माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से खत्म कर स्टेप डाउन कर दिया है। और जो प्रमोशन रेवेन्यू एक्सक्लूसिव टीचर्स के द्वारा बंद कर दिया गया था टीचरों का, नियोजित टीचरों का, जिसमें हेडमास्टर का पद भी शामिल था, उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने रिवाइव कर दिया है। और जितने भी नियोजित टीचर हैं वो प्रधानाध्यापक के पद के लिए, प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल होंगे, ऐसा इस आदेश में है। और विस्तृत जानकारी जब डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा तब उसके बाद सभी लोगों को दी जाएगी, लेकिन मोटा मोटी यही है कि हम लोग आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत चुके हैं इस मुद्दे पर। चलिए आप देखिए अभी जो हुआ, अभी फिलहाल ये अपडेट आया है और सामने ऑर्डर पड़ेंगे। एक एक शिक्षक तक शेयर किए, राइट साइड में शेयर का बटन होगा, सारे लोग इंतजार में थे। किसी भी लोग को बिहार में नियोजित शिक्षक को चिंता नहीं करना, ऑर्डर पढ़ेंगे फिर आगे सब चीज़ समझेंगे, उसके बाद फिर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल नियम 4 को खत्म किया गया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा और हटाने जैसी कार्रवाई का आदेश था उसको खत्म किया गया है। नियम 12 को समाप्त किया गया है रूल के अंदर में, और क्या क्या उसमें निर्देश है तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पे कि नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है, सक्षमता परीक्षा रद्द हुआ, पूरा नियम आप देख सकते हैं। और बड़ी बात कही जा रही है कि अब किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत मिली है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी है नियोजित शिक्षकों के लिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और बड़े लंबे अरसे समय से जो नियोजित शिक्षक है वो लड़ाई लड़ रहे थे, एक जंग लड़ रहे थे, और आज कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को उस लड़ाई का जो है फल मिला है, और कहीं ना कहीं जीते हैं नियोजित शिक्षक, और नियोजित शिक्षकों को बड़ी जो है राहत भी मिली है। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगी, अब लगातार अपडेट आना शुरू हो गया है क्योंकि नियोजित शिक्षकों को जीत मिली है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।